बीते कई दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जल्द ही राजधानी समेत कई राज्यों के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्यों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके कारण एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली NCR में धूप निकलने से लोगों को गलन वाली ठंड से राहत तो मिली है, लेकिन खराब वायु गुणवत्ता ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कल यानी रविवार को AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ ही आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। IMD का कहना है कि दिल्ली में भी आने वाले बुधवार यानी 16 फरवरी को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में सुबह घने कोहरे के साथ देखने को मिल सकता है। 14 से 17 फरवरी इन क्षेत्रों में सुबह और रात में घना कोहरा पड़ सकता है, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 18 फरवरी को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे बिहार में, वहीं कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फिलहाल लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की रात और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बावजूद कुछ इलाकों में सर्दी का प्रकोप जारी रहा। वहीं हरियाणा में दिन के वक्त धूप निकलने से लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। हिमाचल प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में सोमवार से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा और 17 फरवरी तक बारिश होने की संभावना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।